नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हाँ, मैं आज बड़ेड़ी राजपुताना जिला पंचायत चुनाव को लेकर, जहां पर हर प्रत्याशी लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और वोटर को रिझाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं अब चुनाव का अंतिम पड़ाव है। 3 दिन चुनाव प्रचार प्रसार में शेष बचे हैं, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी दौड़ धूम और अपना प्रचार प्रसार में तेज़ी कर दी है। तो वहीं शिबा यहाँ से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस की समर्थित प्रत्याशी के रूप में। उनके यहीं से परिवार से आजम को उनका फेस पेश किया गया है, तो आजम भाई यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में भी हैं और उनके समर्थित प्रतिनिधि के रूप में जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रतिनिधि के रूप में आजम से चलिए बात करते हैं हम लोग। दैनिक रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आजम भाई, अब चुनाव के मात्र 3 दिन बचे हैं, सभी प्रत्याशी अपने स्तर से दमखम के साथ अब चुनावी मैदान में पूरी तरीके से रात दिन मेहनत कर रहे हैं और वोटरों को रिझाने का काम कर रहे हैं। आप किस तरीके से इन 3 दिनों में अपने चुनाव टेम्पो को बरकरार रखेंगे? देखिए, जैसे जैसे चुनाव पीक पे जा रहा है, वैसे वैसे हमारा कारवा बढ़ता जा रहा है, कुनबा हमारा बढ़ता जा रहा है, पार्टी हमारा कुनबा है, जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं वो हमसे और जुड़ते जा रहे हैं, रोज़ ब रोज़ समर्थन और ज़्यादा मिलता जा रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, माताओं बहनों का प्यार मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ता जा रहा है। और अभी 3 दिन बचे हैं, इन 3 दिन में हमारा चुनाव इतना ऊपर पहुंच जाएगा कि कोई प्रत्याशी आसपास भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा, पूर्व में आपके पिता यहाँ से प्रधान नहीं, आपकी दादी यहाँ से प्रधान नहीं, आपके दादा यहाँ से प्रधान नहीं, प्रधानी आपके पूर्वजों से चलती आ रही है, तो आपके पिता ने प्रधानी के टाइम में ऐसा क्या विकास कार्य कराया जो लोग बाग आज भी याद करते हैं? देखिए सर, हम 70 साल से प्रधानी का चुनाव लड़ते आ रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं, जब प्रधानी का चुनाव हम आज तक नहीं हारे हैं, सिर्फ विकास कार्यों पर हम चुनाव लड़े हैं, चाहे मेरे दादा हों, चाहे मेरी दादी हों, चाहे मेरे पिताजी हों, मेरे पिताजी ने अपने कार्यकाल में हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर घर में सरकारी योजनाएं पहुंचाई, विकास किया, काम किया और हर किसी के सुख दुख में साथ खड़े रहे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, जात बिरादरी नहीं मानी, धर्म नहीं माना, सिर्फ अपने लोगों का, अपने क्षेत्र में अपनी जनता के लिए काम किया और उनके काम के ऊपर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के काम के ऊपर हम अपना काम करेंगे, उनके नक्शे कदम पे चलने की पूरी कोशिश करूंगा, बल्कि मैं, जनता अगर मुझे मौका देगी तो मैं और बेहतर काम करूंगा, और क्योंकि मैं युवा हूं, शिक्षित हूं, राजनीति घराने से हूं, अच्छे बुरे का मुझे मालूम है, जो मेरे साथ जुड़े हैं हाजी फुरकान विधायक जी हों, या हाजी सईद हसन जी हों, या हाजी शेर मोहम्मद जी हों, जितने भी हमारे चाचा ताया मेरे साथ जुड़े हैं, उनको बहुत अनुभव है हमारे क्षेत्र में, जो समस्या है उनको दूर करेंगे हम सब मिलकर और अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे। अच्छा आजम भाई, अब आप एक बात बताएं कि राव शकील इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आप इस चुनाव में उनकी कितनी कमी महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको कहूँ, एक बाप की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, एक बाप की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मेरे पिताजी, मेरे पापा मेरे पीछे इतने लोग छोड़ गए, उनको मालूम था जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनसे किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको मालूम था कि वे मेरे बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, उनको पक्का मालूम था। और आप देख सकते हैं कि कितने लोग मेरे साथ हैं, कितनों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, सिर्फ ये उनकी एक सोच थी कि मेरे बच्चे का साथ कभी कोई नहीं छोड़ेगा जो उनसे जुड़ा हुआ है। आपके पिता पूर्व में जिला पंचायत का यहाँ से चुनाव लड़े थे और लास्ट तक अच्छी फाइट रही, लेकिन रहमतपुर में कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़े, लेकिन कल आपने जो रहमतपुर में अपना जनसंपर्क किया, अपने रैली की विधायक के साथ मिलकर, उसे क्या प्रतीत हो रहा है और कितना आपको एहसास हो रहा है? देखिए, रहमतपुर में हमारे माननीय विधायक जी कल मौजूद थे, हमारे साथ थे, और माननीय हाजी सईद हसन जी पूर्व राज्य मंत्री जो रहे, उनका पूर्ण रूप से समर्थन हमारे साथ हैं। पिछली बार किसी कारणवश वो चुनाव लड़े थे, पापा के सामने लड़े थे, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का हमको भी नुकसान हुआ था, उनको भी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे अपना बच्चा समझ के मेरे सर पे हाथ रख दिया। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपना बेटा समझा,
और मेरे सर पे हाथ रखा और पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं कल इतना जन सैलाब था रहमतपुर में, इतना जन सैलाब था, इतना प्यार सम्मान मिला। अगर मैं रहमतपुर के लोगों का सर झुका के भी शुक्रिया अदा करूँ तो कम है, हाजी शहीद हसन जी का सर झुका के भी शुक्रिया अदा करूँ तो कम है, और विधायक जी जिन्होंने इतनी मेहनत वो इस सीट पर कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, शायद उन्होंने अपने चुनाव में भी इतनी मेहनत ना करी। नहीं, आपकी बात हम सहमत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है और ख़ासकर प्रत्याशी को, गुप्त मीटिंग का दौर अब शुरू हो जाएगा, तो आपकी जो डोर टू डोर है, गुप्त मीटिंग है, आपको किस तरह से आपने टीमों का गठन किया है और बूथ स्तर पर किस तरह काम करेंगे? देखिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग हमारी लगभग हर क्षेत्र में, हर गांव में मैं जा चुका हूँ, डोर टू डोर जाके हर किसी से मिला हूँ, किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा, मना नहीं किया कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आपको आशीर्वाद प्यार पूरा मिल रहा है। सब ने मेरे सर पे हाथ रखा, कम से कम हज़ारों घर में जा चुका हूँ, मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे सब ने आशीर्वाद दिया, सब ने मेरा साथ दिया, मुझे पूरा आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। अच्छा, चलिए ये तो आशीर्वाद की बात हो गई। हम बढ़ेड़ी राजपुताना की बात करें तो मेन रोड की बात करें तो यहाँ पानी की निकासी की बड़ी समस्या है, अगर आप जीतते हैं तो पानी की निकासी पर क्या फोकस रहेगा? देखिए, 2013 में यहाँ बाढ़ आई थी, हमारे पिताजी के सहयोगी कालूराम जी यहाँ प्रधान थे, एससी में सीट थी, उस दौर यहाँ बहुत ज़्यादा जल भरा हो गया था, जिसकी समस्या मेरे पिताजी ने दूर करी थी, लोगों को बचाया था, इस गांव को डूबने से बचाया था, उनके साथ जो लोग जुड़े थे उनके साथ मिलकर इस गांव की समस्या को दूर करी थी। 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, हमारे पास कोई जनप्रतिनिधि का पद नहीं था, फिर भी हमने विधायक जी के आश्वासन पर, विधायक जी की नीति से यहाँ काम कराया है, बढ़ेड़ी में काम कराया है, सांतरसा में काम कराया है, और जो हमने पिछले 70 साल में अपने कार्यकाल में, मेरे पिताजी के, मेरे दादा के कार्यकाल में काम कराया है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है, सबके सामने काम हुआ है। तो रही बात निकासी की, तो जैसे ही जनता मुझे प्यार और आशीर्वाद से विजय बनाएगी, सबसे पहला काम, चाहे वो कोई सा भी गाँव हो मेरी जिला पंचायत में, ये पानी की समस्या का मैं ज़रूर दूर करूँगा। चलिए, ये थे आपकी पानी समस्या की बात। अब 26 तारीख करीब है, 26 तारीख के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं बस जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी बातों के लिए, अच्छे विकास के लिए, कांग्रेस पार्टी से समर्थित हमारी प्रत्याशी शिबा को वोट दे, जिनका चुनाव चिन्ह है कैंची पर मोहर लगाकर हमको विजय बनाए, अपने आप को विजय बनाए। ये थे हमारे साथ आजम शकील, जो कि शिबा के प्रतिनिधि रूप में काम कर रहे हैं। मैं दैनिक गुड़के से रियाज कुरैशी, सहयोगी योगराज के साथ।